सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम लाइव प्रूफ के साथ रियल डायमंड जो है मेरे को मेरे अकाउंट में मिल चुके हैं। What's up guys, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ही गाइस आप सभी बंदे बढ़िया होंगे एंड यार गाइस आगे भी बढ़िया रहना। सर गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एकदम पूरी की पूरी न्यू ट्रिक जो है फ्री फायर अनलिमिटेड डायमंड की, जो एकदम न्यू ट्रिक बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ आप अपने फ्री फायर गेम में काफी सारे अनलिमिटेड डायमंड जो कैसे ले सकते हो, आप अपने अकाउंट में काफी सारे डायमंड जो सिंपल कैसे अर्न कर सकते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है सर। पहले उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना बिना स्किप करे, क्योंकि गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाली है। देन वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक भी आसान एंड 100% वर्किंग होने वाली है। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, समझ रहे हो अपना देना पहले। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी बंदे हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साइड में आए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर देना। तो चले गए ऑब्वियसली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे आपको सिंपली करना कुछ नहीं, काफी ज्यादा इजी पीजी ट्रिक है, बस आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे आप ट्रिक को पूरा का पूरा सीधे फॉलो करना, देन अगर आप ट्रिक में थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो आपका ट्रिक वर्क नहीं करेगा। अबे साले, अगर आप ट्रिक को पूरा का पूरा सीधे फॉलो करते हो तो आपका ट्रिक 101% वर्क करेगा, ये पहले ही बता देता हूँ। सो चले गए ऑब्वियसली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको रुको जरा सबर करो, अपना कैरेक्टर है ना, सबसे पहले तो आपको मैक्सिम कैरेक्टर लेना है। कहाँ गया ये वाला जो आपको कैरेक्टर ले लेना है, देन जैसे आप मैक्सिम कैरेक्टर ले लेते हो तो उसके बाद आपको होना कुछ नहीं। उसके बाद इसको पूरा का पूरा कपड़ा आपका चेंज करना है, जो कपड़े आपने पहना रखे हैं ना वो कपड़े आपको नहीं रखने हैं, कोई सा भी नुबड़ा कोई सा भी चेंज कर लेना, शर्ट वगैरह जैसे मैंने ये वाला पहना दिया, बट आपको होना कुछ नहीं। बस एक चीज कोई सी भी उसके अंदर चेंज करनी जो आपने पहले से नहीं पहना रखी हो, तो आपको होना कुछ नहीं है, मैक्सिम कैरेक्टर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको वहाँ पे उसको कोई सा भी शर्ट वगैरह उसका चेंज करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको गेम की सेटिंग में आना है, एंड जैसे आप गेम की सेटिंग में आते हो तो यहाँ पे आपको करना है दो बार क्लियर कैच। देन जैसे आप यहाँ पे दो बार क्लियर कैच कर देते हो तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जाना है लक रॉयल में। देन जैसे आप लक रॉयल में जाते हो तो अपना जो गोल्ड रॉयल है ना इसके अंदर आपको यहाँ पे 2 या 10 स्पिन मार लेना, या तो 2 ही मारना क्योंकि काफी सारे बंदों के पास नहीं होंगे ये, बट जिसके पास है वो 10 मार लेना, अगर नहीं है तो 2 मार लेना। देन जैसे आप यहाँ पे 2 स्पिन करते हो आपके अंदर से कोई सा मतलब आपका जो है लक रॉयल के अंदर से कोई सा भी एक शर्ट या फिर पैंट निकलनी चाहिए जो कि आपको इजी पीजी को पहना सको, जो कि मेरे को यहाँ पे आप देख ही सकते हो अभी मेरे को एक शर्ट मिला था जो कि कुछ घंटों के लिए मिला, बट कोई ना वो वाला मेरे को यहाँ पे पहनाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को कोई सा एक शर्ट मिला था यार, असंभव असंभव, मेरे को कहाँ मिला था वो शर्ट ये मेरे को नहीं पता चल रहा है क्योंकि गाइस क्या पता वो किधर गया, बट यहाँ पे मेरे को अभी आपके सामने लक रॉयल में से कुछ निकला था ना यार, रुको जरा सबर करो, वापस से मैं स्पिन मार लेता हूँ, मेरे को वो शर्ट नहीं दिख रहा। तो 10 का मैंने यहाँ पे स्पिन मारा है, देन इसके अंदर से मेरे को काफी सारे शर्ट वगैरह देखने के लिए मिल गए। सो जस्ट मेरे को यहाँ से पूरा का पूरा बैग आना है, एंड जैसे मैं यहाँ से पूरा का पूरा बैग आता हूँ तो यहाँ पे जो शर्ट है ये वाला शर्ट मेरे को मिला, ये वाला मैंने पहना लिया। देन इसके अलावा यहाँ पे ये वाली पैंट मेरे को मिली, ये वाली भी मैंने पहना ली, एंड उसके बाद आपको करना कुछ जो भी कपड़े लक रॉयल में मिलते हैं वो कपड़े आप अपने कैरेक्टर को पहना लेना, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको गेम की सेटिंग में आना है। देन वापस से 2 बार क्लियर कैच करना, एंड जैसे देन वापस से आप यहाँ पे 2 बार क्लियर कैच कर लेते हो ना तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। उसके बाद तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना है अपने इलाइट पास वाले सेक्शन में, एंड जैसे आप इलाइट पास वाले सेक्शन में चले जाते हो ना तो यहाँ पे जो भी रेयर आइटम है अपने इलाइट पास के उन सारे रेयर आइटम पे आपको एक एक बार टैप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ इस वाले रेयर आइटम पे, सारे रेयर आइटम पे एक एक बार मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, सारे रेयर वाली पेटी है ना, ओ भाई ये क्या है, ये वाली जो पेटी है ना जिसके अंदर मैजिक क्यूब की जो पेटी बोलते हैं, हम तो पेटी बोलते हैं आप क्या बोलते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। देन जैसे आप इसके अंदर जो आइटम्स है ना इन सारे आइटम पे एक एक बार टैप कर लेना, एंड जैसे आप एक एक बार इन सारे आइटम पे टैप कर लेते हो तो उसके बाद यहाँ से पूरा का पूरा बैग जाना, बैग जाने के बाद आपको यहाँ पे 2 बार क्लियर कैच करना, एंड जैसे आप यहाँ पे 2 बार क्लियर कैच करते हो तो उसके बाद जाना है आपको टॉप अप वाले सेक्शन में, एंड जैसे आप अपने टॉप अप वाले सेक्शन में आ जाते हो ना तो उसके बाद यहाँ पे जो अपना 4000 का टॉप अप सेक्शन है ना आपको सिंपली इस वाले टॉप अप सेक्शन पर टैप करना है, एंड जैसे आप इस वाले टॉप अप सेक्शन पर टैप करते हो ना तो यहाँ पे जो अपना प्लस माइनस का आइकन है ना क्यूनिटी करके, तो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर आप
आपको सिंपली 10 बार टैप कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 बार टैप कर रहा हूँ, आपको सिंपली इसके ऊपर 10 बार टैप कर लेना है। देन उसके बाद इसको यहाँ से कैंसल्ड करना है। एंड यार भाई लोग, जैसे आप इसको यहाँ से कैंसल्ड कर लेते हो तो उसके बाद वापस से आपको 1600 का जो अपना टॉपअप सेक्शन है इसके ऊपर टैप करना है। एंड इसका भी वही सीन है, यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर टैप करते रहना है, टैप करते रहना। देन गाइस जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना, उसी हिसाब से ट्रिक को फॉलो करना। पहले ही बता देता हूँ, ट्रिक में थोड़ी सी भी मिस्टेक मत करना है। सो गाइस यहाँ पे आपको इसके ऊपर भी टैप करना है, देन इसको यहाँ से कैंसल्ड कर लेना है, 1600 वाले टॉपअप सेक्शन पर टैप करना है एंड उसको कैंसिल करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है गेम की सेटिंग में एंड वापस से 2 बार क्लियर कैच करना है। एंड जैसे आप 2 बार क्लियर कैच करते हो तो वापस से ये लास्ट बार है, बस वापस से आपको आना है टॉपअप वाले सेक्शन में। एंड यहाँ पे जो अपना 80 का टॉपअप सेक्शन है ना, इसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद प्लस वाला आइकन पर आपको 10 बार टैप करना है। एंड जैसे आप प्लस वाला आइकन पर 10 बार टैप कर लेते हो तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली इसको कैंसिल करना है एंड अपने मोबाइल डाटा को ऑफ करना है। एंड जैसे आप अपने मोबाइल डाटा को ऑफ करते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है पूरा का पूरा बैक। एंड जैसे पूरा का पूरा बैक आते हो तो यहाँ पे जो आपको 2 बार क्लियर कैच करना है। एंड जैसे आप यहाँ पे 2 बार क्लियर कैच कर ले तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, वापस से अपना मोबाइल डाटा आपको कर लेना है ऑन। एंड जैसे आप मोबाइल डाटा अपना ऑन कर लेते हो तो उसके बाद आपको गेम की सेटिंग में जाना है एंड 2 बार क्लियर कैच कर लेना है। जैसे आप 2 बार क्लियर कैच कर लेते हो, जिस हिसाब से मैंने बताया ना, उसी हिसाब से अगर आप ट्रिक को पूरा का पूरा फॉलो कर लेते हो, आपको जो चाहिए 25 आवर्स के अंदर अपने अकाउंट में काफी सारे अनलिमिटेड डायमंड जो देखने के लिए मिल जाएंगे। सो चले गए, आई होप आपका वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देना छोटा सा लाइक देना। अभी तक मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साइड में आई बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर देना। सो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।